जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक का सराहनीय कार्य आया सामने। मोहनपुर भरथा गांव में फंसे 11 नागरिकों को रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में रात भर चला रेस्क्यू अभियान। श्रावस्ती जनपद के तहसील जमनहा अंतर्गत ग्राम पंचायत गजोभरी के ग्राम मोहनापुर भरथा व केवटनपुरवा में 11 नागरिकों के फंसे होने की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी व पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू फ्लड पीएससी को निर्देशित किया। जिला प्रशासन एवं फ्लड पीएससी की टीम लगभग 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल ली तथा मौके पर मौजूद चिकित्सकों की टीम द्वारा पीड़ितों का प्राथमिक उपचार कराया गया, जिसके बाद सभी पीड़ितों को राप्ती बैराज स्थित गेस्ट हाउस में पहुँचाया गया। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए राहत आयुक्त जीएस नवीन कुमार, देवीपाटन मंडल के आयुक्त शशिलाल भूषण सुशील व परियोजना निदेशक आपदा आदित्य उमराव द्वारा पल पल की सूचना ली गई। फ्लड पीएससी की तरफ से ऑपरेशन शुरू करने वाले कर्मचारी सोनू कुमार, अमरेश कुमार सरोज, शुभम सिंह, अब्दुल समीर, सतीश कुमार यादव व मनोज कुमार द्वारा ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया। रेस्क्यू के दौरान 10 वर्षीय करिका, 12 वर्षीय मिन्नी, 25 वर्षीय रीता, 8 वर्षीय सेदू, 17 वर्षीय अर्चना, 11 वर्षीय कमला देवी, शांति देवी 50 वर्ष, सकट राम 18 वर्ष, रेखा देवी 28 वर्ष, नंदन 30 वर्ष व राम उजागर 50 वर्ष को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने उनसे संवाद कर उनका कुशलक्षेम भी जाना। श्रावस्ती जनपद के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक का सराहनीय कार्य सामने आया है। इस तरह के जिलाधिकारी अब तक इस जिले में नहीं आए। जिलाधिकारी पल पल की अपडेट ले रहे हैं तथा लगातार लोगों के बीच पहुँच रहे हैं। इस समय बाढ़ प्रभावित एरिया में लगातार वो भ्रमणशील हैं। इस दौरान अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी भिनगा, उप जिलाधिकारी जमुनहा, आपदा विशेषज्ञ अरुण कुमार आदि मौजूद रहे। रात्रि 7 जुलाई की है, इसमें जमुनहा तहसील के केवटनपुरवा गजोदरी ग्राम के अंतर्गत ये 11 लोग थे जो राप्ती नदी के किनारे फंस गए थे। दोनों तरफ से नदी की धाराएं प्रवाहित हो रही थी, जिसमें वो लोग फंसे हुए थे और निकल नहीं पा रहे थे। इसमें 8 बजे सूचना प्राप्त होने के बाद तत्काल पुलिस प्रशासन ने मिलकर पीएससी की टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। लगभग 8 घंटे ये ऑपरेशन चला, जिसमें पीएससी की टीम ने उनको सुरक्षित वहाँ से जो है निकाल लिया किनारे तक। उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और सभी अभी सकुशल हैं। इसमें कुल मिला के 11 लोग थे, जिसमें कि 5 बच्चे थे और 7 वयस्क महिलाएँ थीं। इसमें मुख्य रूप से रेखा देवी, जिनके पास मोबाइल फ़ोन था, जिससे लगातार जो है हम लोग संपर्क कर पा रहे थे और उसकी मदद से उनको जो है बाहर निकाला गया। इसमें पीएससी की टीम जो हाल ही में जनपद में आई थी, इसको तुरंत सूचना मिलने पर वहाँ पे मूव किया गया। इसमें कप्तान साहब आपको ब्रीफ करेंगे कैसे उनका मूवमेंट हुआ, कैसे उन्होंने जैसे 8 बजे की सूचना के बाद तत्काल डीएम साहब और मैं, एडीएम और एडिशनल एसपी, वहाँ के एसडीएम और सीओ, थाना प्रभारी मल्लीपुर, इन लोगों ने थर्ड कंपनी जो आई थी एक प्लाटून सेकंड बटालियन पीएसी की, उनको तत्काल मूव कराया गया और साथ ले जा करके रेस्क्यू ऑपरेशन को तत्काल शुरू कराया गया। लगभग 10 बजे टीम जो है पानी के अंदर उतर गई थी और कुल 6.5 घंटे लगातार जो है पीएसी के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके और बहुत तेज बहाव में अंदर जाकर के उनको सुरक्षित रेस्क्यू किया और उसके बाद उनको उस मोटर बोट से जो बहुत विपरीत परिस्थितियों में लगभग 2.5 घंटे चलने के बाद सुरक्षित जो है बंधे पर आई है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें जो रेखा देवी नाम की महिला थी, उसके साहस और धैर्य की बड़ी परीक्षा थी। उसने जिस समय वो सूचना मिली थी, उस समय लगभग 2 फीट पानी चारों तरफ से बह रहा था और बीच में टीला था, और जब तक ये ऑपरेशन चला है करीब 4.5 घंटे, इस दौरान पानी बढ़ते हुए उनके 1 फीट पैरों के ऊपर आ गया था, जिससे पूरे जो पीड़ित थे बच्चे और महिलाएं, उन्होंने अपने धैर्य का परिचय दिया और जो है पुलिस टीम और रेस्क्यू टीम जाकर के उनको सकुशल निकल करके बाहर लाई गई। और सभी सकुशल हैं और सभी जो है स्वस्थ। इधर आओ, सीधे आओ, सीधे 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 आओ, सीधे लेते जाओ इनका फोटो। एक जैसे जैसे निकलते जाओ वैसे वैसे लेते जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? हम तो जाइए तुम्हें आप
ले लो बढ़िया से बढ़िया। चला भाई चलिए एकदम बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, बहुत बहुत सक्सेस। चलिए सब ऊपर वाली कृपा है, ऊपर वाली कृपा है, भगवत कृपा है, ये सब चले सब लोग धन्यवाद सबका। ठीक है सभी लोग जाए अपने घर। साहब लोगों को धन्यवाद दो, सब लोगों ने बहुत अच्छा साहस आप लोगों ने दिया। देखो उसको सोच सोच के जो नारा सबसे अभी चलिए वहाँ सर कहाँ सभी लोग आ जाओ, थोड़ा खुल जाएंगे। मोबाइल किसके पास है? और तीन लोग और कौन है? आगे आ जाओ, आगे आओ सर। एक जो हो जाओ दूसरे साहब खड़े हो जाओ सर। कितने बजे गए हैं आप लोग? तो 10 बजे निकल गए। हाँ तो उस समय पानी नहीं था? नहीं था भाई। नहीं तो जब पानी बढ़ने लगा तो क्यों नहीं निकला? जब बढ़ने लगा सर तब इन्हें इसमें पैरने का जानते थे तो मैंने बिटिया जी हम पार लगाए के मैंने पानी भी थे। तुम भी वही थे? तो कहीं सर हम थे। और कौन था? हम फिर इधर से नहीं था वहीं पे। तबे कहन की लजी पहले हम फरो उठा लगाया इधर सबका ले ले चली। अच्छा यही गए हैं इधर से यही गए वही गए थे। तोरी इधर ही सब निकले ना, तोरी पानी इतना बे था गिर गया कि घोड़े ना रुके, इनके घोड़े ना रुके तो हमसे वे का केने तो कहीं टूट जाए मने खटक जाए तब ले चलबे। तोरी सर देखा देखा तो इतना पानी होएगा वा तो पानी बढ़ जाएगा। अभी जैसे पानी कम तो और ज्यादा पानी हो जाएगा। हाँ वो तो लगातार बढ़ ही रहा है।